नित्यानंद, गुड आफ्टरनून। आ गए? ठीक है, स्टार्ट करें। अब वो ऑडियो बीच में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, मैंने बताया था ना कि अगर कोई बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है तो वो ऑडियो चला जाता है। तो हाँ, वो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्या है, वो वीडियो सही नहीं बन पाया, है ना। सही है, सही। चलो, आज का अब हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। द पार्टिकल को आप, मेरे पास से जो बॉक्स है वो थ्री डायमेंशनल बॉक्स है। अब थ्री डायमेंशनल बॉक्स कैसा हो गया, आपका क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। तो ये मेरा पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल के लिए मैंने बॉक्स बना लिया। और अब इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया कि ये मेरी मैंने इसके कुछ कोऑर्डिनेट के नाम दे देते हैं, बॉक्स के डायमेंशन हम फाइनल कर लेते हैं। तो ये मेरा बॉक्स का ये जो आ रहा है इसको मैं एक्सेस ले लेता हूँ, एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ, इस कोऑर्डिनेट को मैं 0 0 कर देता हूँ। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। सो ये मेरे पास में तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और अब पार्टिकल कहाँ है, इस बॉक्स के अंदर है। पार्टिकल कहाँ है, बॉक्स के अंदर। और जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं, फ्री पार्टिकल कह रहे हैं। पार्टिकल यहां पर है बॉक्स के अंदर जिसका मास एम, और ये पार्टिकल है फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल मींस अगर आपके पास कोई डब्बा है, उस डब्बे के अंदर, या फिर मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूं, इसकी सारी वॉल स्ट्रांगली सॉलिड वॉल है, बाहर नहीं निकल सकता हूं, कहीं से भी नहीं निकल सकता हूं। तो मैं इस रूम की डायमेंशन मान लेते हैं, अच्छा इस रूम के अंदर जब मैं फ्रीली मूव कर सकता हूं तो मेरा पोटेंशियल कितना हो गया, वी बराबर जीरो। पोटेंशियल मेरा जीरो है। और मैंने पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं हो रहा है, कोई भी दूसरा फील्ड एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं लग रहा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना पोटेंशियल फील्ड है, ना कोई दूसरा फील्ड है, ना ही मतलब क्या कहते हैं उसको, आपका आपका साउंड ऑफ करो भाई, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, अब हमारे यहाँ पे कोई भी दिशा, ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ना मैग्नेटिक पोटेंशियल है, ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, पार्टिकल कंप्लीटली फ्री है। तो उसके लिए अंदर बॉल, इसमें बॉक्स के अंदर पार्टिकल का क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो। और बाहर चारों तरफ जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी है इनफाइनाइट। चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग लो, वाई एक्सिस के अलोंग लो, कहीं पर भी लो, या जेड एक्सिस के अलोंग लो, पोटेंशियल चारों तरफ बाहर इनफाइनाइट है। अब मानते हैं इसकी डायमेंशन अगर हम ले लेते हैं, हमारा अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस का डायमेंशन ले लेता हूं ए, इसकी लेंथ है, अलोंग वाई एक्सिस इसकी लेंथ जो है वो मैं कंसिडर कर लेता हूं बी, अलोंग जेड एक्सिस जो इसकी लेंथ है वो मैं ले लेता हूं सी। तो मेरे पास में जो बॉक्स के डायमेंशन आ गए, ए बी सी डायमेंशन हुए। तो अब मैं सिर्फ एक एक्सेस को लो, अलोंग एक्स एक्सेस अगर मैं बात करता हूं तो अलोंग एक्स एक्सेस मेरे पास में तीन रीजन बन गए, जैसे हमने पिछली बार बनाया था, यहाँ पर भी तीन रीजन बन जाएंगे। एक्स एक्सेस के अलोंग क्या हुआ, एक ये एक्सेस यहाँ जो बिलो जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ये यहाँ पर हो गई कंडीशन एक्स इज लेस देन जीरो। दूसरी कंडीशन जीरो से ए तक का, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, और तीसरा एक्स इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे पास में तीन रीजंस बन गए। और इन तीनों रीजंस के लिए मेरे पास में पोटेंशियल भी डिफाइन हो गया। पोटेंशियल कितना है, बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट, बीच में पोटेंशियल जीरो, और अगेन इस साइड बाहर पोटेंशियल है इनफाइनाइट। ये हुआ अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस भी अगर मैं देखता हूं, अलोंग वाई एक्सिस भी, तो यहां पर
रेंज कहां से कहां तक है? ये है जीरो इज लेस देन वाई इज लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू, इस बी से ऊपर वाला पोर्शन y इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन इक्वल टू b, और जीरो से नीचे y इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहां पर भी मेरे पास में ये तीन रीजन्स बन गए। अब इन तीनों रीजन्स के अंदर, इन तीनों रीजन्स के लिए क्या आ रहा है पोटेंशियल? बीच में पार्टिकल के लिए पोटेंशियल कितना है? जीरो, और ऊपर पोटेंशियल इंफाइनाइट, यहां पर पोटेंशियल हो गया इंफाइनाइट, नीचे अगेन पोटेंशियल इंफाइनाइट। तो मेरे पास में इसी तरह से अलोंग जेड एक्सिस में देखेंगे तो अलोंग जेड एक्सिस में मेरे पास में इसी तरह की इक्वेशन आई। तो मेरे पास में टोटल जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या हुआ, अलोंग एक्स एक्सिस देर आर द पोटेंशियल रीजन्स कैन बी डिफाइंड, रीजन्स कैन बी defined according to potential, और वो potential के according regions क्या हो गए? पहला region first, x is less than equals to zero, then x is less than equals to zero where potential v is infinity. When v is infinity, then the wave function for this region psi 1x is 0. इसके लिए wave function 0 होगा। अब मैं यहाँ पे psi 1x नहीं लिख सकता हूँ, मुझे psi r लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास wave function में सिर्फ x नहीं है, y और z भी है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ psi r, wave function psi r है। दूसरा रीजन, रीजन सेकंड कहां से कहां तक है? जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है इस रीजन में जीरो। तो वेव फंक्शन जो है शाई सेकंड आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड रीजन, जैसा हमने पिछली बार किया था पार्टिकल वन, क्या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में, रीजन थर्ड कहां से कहां तक? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, a से आगे वाला सारा रीजन। इस केस में पोटेंशियल कितना है? इंफिनिटी, या पोटेंशियल इंफिनिटी है। तो वेव फंक्शन psi 3r इज जीरो, वेव फंक्शन हो गया जीरो। सिमिलरली, अब आप ही लिख लीजिएगा उसको, सिमिलरली ये अलोंग x एक्सिस लिखा, इसी तरह से y एक्सिस, y एक्सिस में और x एक्सिस में फर्क क्या हो रहा है? a की जगह वहां पे लिखेंगे हम b, और जब z एक्सिस लिखेंगे तो हम लिखेंगे a की जगह c। लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब हम, हमारे पास में रीजन वन के लिए कुछ नहीं है, रीजन थ्री के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रीजन सेकंड के लिए आ रहा है हमारे पास में इक्वेशन। और इस इक्वेशन को मैं अब मेरे पास में जो एप्लीकेबल हमारे पास में है, दैट मींस जो हमारे लिए यूजफुल है, वो है हमारा रीजन सेकंड। रीजन सेकंड के लिए कौन कौन सा रीजन सेकंड? अलोंग एक्स एक्सिस जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, इस केस के अंदर शाई जो है शाई
second r is not equals to 0, whereas v is equals to 0. Dusra region, 0 is less than x is 0 is less than equal to y is less than equals to b along y axis. इस केस में भी shy second r is not equals to 0, whereas potential is 0. And third 0 is less than equals to z is less than equals to c. इस केस में shy second r is not equals to 0, whereas potential is 0. ये हमारे पास में तीनों इक्वेशंस आ गए. अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हम एक अच्छी चीज कर सकते हैं, और वो क्या होगा, जब इनका पोटेंशियल जीरो है, जब पोटेंशियल जीरो है पार्टिकल का, व्हेन पार्टिकल इज फ्री इनसाइड द बॉक्स, देन द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, E is equals to kinetic energy plus potential energy. Potential energy तो zero हो गई, so which is equals to क्या है? It is equals to kinetic energy. And kinetic energy means p square by 2m, momentum square divided by 2m. अब p square by 2m को मैं क्या लिख सकता हूँ? Which I can write it px square by 2m plus py square by 2m plus pz square by 2m. ऐसा मैं कब लिख सकता हूं? जब मेरा ये p square आओ, p square क्या चीज है? Basically p dot p. यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है. जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? px square, px py जीरो हो गया, px pz जीरो हो गया. मुझे मिलेगा px square by 2m, py square by 2m, pz square by 2m is equals to total energy. Now total energy is equal to three different component. ये तीन अलग अलग components के बराबर है, और तीनों component independent हैं. Then the total energy can be written into some of the three independent energies. Ex, Ey, Ez में लिखा जा सकता है. कब लिखा जा सकता है? जब तीनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट हो. तीनों कंपोनेंट यहां पर इंडिपेंडेंट क्यों हो गए? क्योंकि मेरा पोटेंशियल जीरो है. अगर मेरा पोटेंशियल जीरो नहीं होता, इफ v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, तो मुझे यहाँ प्लस v भी लिखना पड़ता, और फिर मुझे v को कहां डालूंगा मैं? क्या मैं उसको x के साथ में लू, y के साथ में लू, z के साथ में लू? और जो पोटेंशियल है क्या वो पोजिशन इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, क्या है? हमको नहीं मालूम. लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे इस केस के अंदर पोटेंशियल जीरो है. जब पोटेंशियल जीरो है तब मैं टोटल एनर्जी को तीन सम के रूप में, ex, ey, ez के रूप के सम में, के जोड़ के रूप में मैं लिख सकता हूं. तो ये मेरी हुई टोटल एनर्जी. जैसे मेरे पास टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आया, अब मैं जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स, वो मेरी अब चेंज हो जाएगी. अब मैं उसको आराम से लिख सकता हूं. कैसे? हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी? हमारा यहां पे केस कौन सा है? थ्री डायमेंशनल केस है, तो थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी. दी थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन. और थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम नेबला स्क्वायर शाई आर प्लस वी शाई आर इज इक्वल टू ई शाई आर. ये है फॉर रीजन सेकेंड, जो बीच वाला रीजन है जहां पर ये कंडीशन आ रही है. एक्स का मान ए से छोटा है, वाई का मान बी के बी से छोटा है, जेड का मान सी से छोटा है, तब इस कंडीशन के अंदर फॉर सेकेंड रीजन क्या है? वी बराबर जीरो. वी को जीरो लिख देते हैं. हमारे पास में इक्वेशन हो गई
माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम नेबला स्क्वायर शाई आर इज इक्वल टू ई शाई आर। और अभी हमने ई को क्या लिख दिया, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, लिखा जा सकता है मल्टीप्लाइड बाई शाई आर। अब मेरी इक्वेशन के अंदर, अच्छा नेबला को भी मैं लिख लेता हूं, नेबला क्या था हमारा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम इट इज डेल स्क्वायर शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इज मल्टीप्लाइड बाई शाई आर। ये हुआ हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं, क्योंकि मैंने एनर्जी को तीन अलग अलग फॉर्म में लिख दिया, तीन के सम में लिख दिया, और वो तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, तब उस केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, जब तीनों इंडिपेंडेंट है तो वेन टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वेन टोटल एनर्जी of particle can return into in the form of sum of three independent terms, the wave function, the psi can also be psi को भी हम अलग अलग तीन फॉर्म, can also be written as, इसको भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, then psi r can be written as psi x psi y psi z, तीन अलग अलग के सम, तीन अलग अलग के मल्टीप्लीकेशन में लिखा जा सकता है। शाई आर को शाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई शाई वाई मल्टीप्लाइड बाई शाई जेड लिखा जा सकता है। लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, सो जैसे हमारा अब शाई अलग हुआ, शाई को हमने तीन शाई एक्स शाई वाई शाई जेड में लिखा, तो अब मैं लिख सकता हूं इसको
साई की वैल्यू मैं यहां पे रख लेता हूं, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ब्रैकेट में डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय शाई एक्स शाई वाई एंड शाई जेड इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड मल्टीप्लाइड बाय शाई एक्स शाई वाई शाई जेड। अब जब डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स को शाई एक्स शाई वाई शाई जेड पे ऑपरेट करेंगे मतलब ये जब हम इसके ऊपर फंक्शन को काम में लेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड देन सेकंड डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x का होगा, yz क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो yz को मैं बाहर लिख सकता हूं और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, तो मुझे क्या मिला, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम, ये हुआ शाई वाई मेरा बाहर आ गया, शाई जेड बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन किसका हुआ, डेल स्क्वायर शाई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो शाई एक्स और शाई जेड बाहर आ जाएगा, शाई एक्स शाई जेड डेल स्क्वायर शाई वाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस अब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो शाई एक्स और शाई वाई बाहर आ जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको उस पर उसका डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, शाई जेड बाई डेल जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके बराबर, ये वैल्यू एज इट इज ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड मल्टीप्लाइड बाई शाई एक्स शाई वाई शाई जेड। अब ये मैंने यहां पे जो लिखा है ना, वो मैंने गलत लिखा है, गलत क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहां फंक्शन शाई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इस केस में होगा फुल डिफरेंशिएशन, क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये फंक्शन है इट ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई और जेड अगर होता जब तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात भी समझ में आती है, तो यहां पर बेसिकली मुझे डेल नहीं लिखना है, इसकी जगह मुझे लिखना है डी, ये फुल डिफरेंशिएशन है, यहां पर भी फुल डिफरेंशिएशन है, तो यहां पर मैं तीनों जगह डेल को हटा के मैं फुल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर शाई और डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर लिखूंगा। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को इसको आप दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए शाई एक्स वाई जेड से, शाई एक्स शाई वाई शाई जेड से, जब तीनों से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा, मैं लिख देता हूं उस लाइन को सो दैट आप लिखो तो आपको भी ध्यान में रहेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय शाई एक्स शाई वाई शाई जेड, पूरी इक्वेशन को शाई एक्स शाई वाई शाई जेड से डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे शाई वाई शाई जेड कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, वन अपॉन शाई एक्स, तो फर्स्ट जो टर्म आई वो क्या आई, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ब्रैकेट में वन डिवाइड बाई शाई एक्स डी स्क्वायर शाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड यहां से कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स पीछे रहा, यहां पर एक्स व एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई पीछे रह जाएगा, वन डिवाइड बाई शाई वाई डी स्क्वायर शाई वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस थर्ड में शाई एक्स और शाई वाई कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह जाएगा, शाई जेड पीछे रह जाएगा, दैट मीन्स वन डिवाइड बाई शाई जेड डी स्क्वायर शाई जेड बाई डी एक्स डी जेड स्क्वायर किसके बराबर, दूसरी साइड में शाई एक्स शाई वाई शाई जेड कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहा, पीछे रहेगा सिर्फ ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड,
ये पीछे रहा हमारे पास। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आराम से दोनों साइड के फैक्टर्स देखो। यहां पर हमारे पास तीन टर्म्स आ रही है लेफ्ट साइड में, एक ये टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। राइट साइड के अंदर भी हमारे पास में तीन तीन टर्म आ रही है, ex, ey, ez। ये तीनों टर्म इधर वाली इनडिपेंडेंट टर्म है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। जब तीनों टर्म इनडिपेंडेंट है और तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर तीन टर्म है, पहली टर्म x डिपेंडेंट, इधर x डिपेंडेंट टर्म है, दूसरी टर्म y डिपेंडेंट, इधर भी y डिपेंडेंट टर्म है, तीसरी टर्म z डिपेंडेंट, इधर भी z डिपेंडेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन को तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन में अगर मैं लिख देता हूं तो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कोई डिस्टर्ब जो इक्वेशंस है, इक्वलिटीज है, उनमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो आई कैन राइट इट दैट व्हाट आई विल राइट, इक्वेटिंग सिमिलर टर्म्स, इक्वेटिंग सिमिलर टर्म्स, तब मुझे क्या मिल गया, पहली टर्म क्या मिल जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम तो कॉमन है ही, वो तो मल्टीप्लायर है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली टर्म मुझे मिल गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम या वन अपॉन शाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर शाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पहली टर्म किसके बराबर, ई एक्स के बराबर, इज इक्वल टू ई एक्स। अब वन बाई शाई जो है इसको मैं इस साइड लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं आएगा, वन बाई शाई को मैंने इधर लिख दिया, तो मेरी इक्वेशन जो बन गई वो बन गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर शाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स शाई एक्स, ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसी तरह से सिमिलरली वाई और जेड की इक्वेशन हमारे पास में बन जाएगी। सो अरे ये लिखना है ना आपको, क्या लिख लिया, ये लिख लिया है। तो पहले एक बार मैं लिख लेता हूं फिर आप उसको आगे लिख लेना। तो हमारे पास है तीनों अलग अलग अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस की इक्वेशन बन गई जिसमें वाई और जेड नहीं है। इसी तरह से सिमिलरली वाई और जेड की हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड एक्सिस और जेड कोऑर्डिनेट के लिए क्या बनेगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर शाई वाई बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई शाई वाई। एंड थर्ड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर शाई जेड बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई जेड शाई जेड शाई जेड वाई। ये इक्वेशन एक्स की इक्वेशन हो गई, वाई और जेड की इक्वेशन ही हो गई। और इसके साथ में हमारे पास में क्या है, वेयर, ये याद रखना जरूरी है, शाई आर इज इक्वल टू शाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई शाई वाई मल्टीप्लाइड बाई शाई जेड है। एंड दूसरा और क्या है इसके साथ में, ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। लिखो इसको फिर आगे करते हैं।
अब हमारे पास में इक्वेशन जो हमारे थ्री डायमेंशनल इक्वेशन थी, श्रोडिंगर इक्वेशन, अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया वन डायमेंशनल केस में। और ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका पोटेंशियल जीरो हो। फ्री पार्टिकल के केस में ही ये पॉसिबल है। तो हमारे पास में जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई, अब तीनों इक्वेशन एक जैसी है, बस फर्क ये है एक में एक्स है, एक में वाई है, एक में जेड है। और फर्क क्या है? तीनों की लिमिट में, तीनों की जो रीजन्स है, एक का रीजन स्टार्ट होता है जीरो से ए के बीच में एक्स के लिए, वाई के लिए जो रीजन है वो जीरो से बी है, और जेड के लिए जो रीजन है वो जीरो से सी है, और कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चारों तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय जो एक इक्वेशन है हमारी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर श्राई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स श्राई एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम एक इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह से वाई और जेड का भी हम सिमिलरली, जैसे यहाँ पे लिखा सिमिलरली, वैसे ही हम वाई और जेड का भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वेशन एक जैसी है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात है तो याद करो ये वही इक्वेशन है जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में थी। पार्टिकल इन वन डी, वन डी वाला जो केस था वो ये वही इक्वेशन है। देखो आप, आपको मालूम पड़ेगा ये वही इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व जैसा हमने उसमें किया था, क्या किया था हमने उस केस में, 2m को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच क्रॉस स्क्वायर को नीचे ले लिया, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास एक टर्म आ गई, ये जो इक्वेशन है वो हो गई डी स्क्वायर शाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई एक्स अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर शाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास में इक्वेशन है, वेयर नाउ आई कैन लेट, मैं मान सकता हूं लेट अल्फा स्क्वायर या अल्फा इज इक्वल टू रूट टू एम ई एक्स अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर। मेरी इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर शाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर शाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वही इक्वेशन है जो हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में की थी। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आया था, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन काम में ले लेता हूं। और वो सॉल्यूशन क्या आया था हमारा, हमने क्या किया था इस इक्वेशन में सॉल्यूशन, हमने याद करो, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं, वो आया था शाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, जब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो b की वैल्यू जीरो हो गई थी, तो हमारी इक्वेशन बनी थी शाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स। फिर हमने एक और बाउंड्री कंडीशन लगाई थी तो हमको एनर्जी की वैल्यू मिली थी, और उसके बाद में हमने नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन काम में ली तो हमको a की वैल्यू मिली थी। और a की वैल्यू मिलने के बाद में मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये यहाँ पे वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का सॉल्यूशन है। यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ वन डी आपको लिखना है, जो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम कर चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ वन डी। ठीक है, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन क्या आया, शाई एक्स इज इक्वल टू रूट टू बाई ए, जो हमने कल, जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, टू बाई ए। ए क्या चीज आई, विड्थ अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ये हुआ मेरा सॉल्यूशन, वेयर अलोंग विथ, इसके साथ में क्या मुझे मिलता है वन डायमेंशनल के केस में, इसके साथ में मुझे मिलता है एनर्जी, और वो एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो कितना आया था, ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला मिला। अब यहां पर चूंकि हम केस कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल केस, यानी y और z भी है, तो ये n कौन सा है, ये n इसको चूंकि x के अलोंग है तो मैं इसको सिर्फ n नहीं लिख के मैं लिखता हूं इसको nx, n के नीचे x, ये nx है अलोंग x एक्सिस,
जो उसके क्वांटम नंबर्स हैं वो, यहां पर भी एन नहीं लिख के मैं इसको लिखता हूं एन एक्स, और ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी ई एक्स है, तो मैं इसको लिखता हूं ई एक्स। तो ये हुआ एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स। नाउ व्हाट इज एन एक्स, और एन एक्स है कितना, एन एक्स स्टार्ट फ्रॉम वन, हमने पिछली बार ही बताया था एन एक्स जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, एन एक्स की लोएस्ट वैल्यू वन है, वन टू थ्री फोर इस तरह से जाएगी, ये एन एक्स की वैल्यू आ गई, लिख लीजिए इसको, चलिए आगे और लिख लेता हूं पहले। ओके, सिमिलरली जब हमारा ये हुआ तो हम अब सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड आराम से निकाल सकते हैं, वाई और जेड के लिए निकालेंगे तो क्या करना है, सिर्फ मुझे ए की जगह जब मैं वाई लूंगा तो ए की जगह वाई के अलोंग उसकी लेंथ कितनी है, बी है, तो मैं वहां बी ले लूंगा, और जब मैं जेड के अलोंग लूंगा तो जेड के अलोंग बॉक्स के डायमेंशन क्या है, सी, तो मैं वहां पे सी ले लूंगा। तो ये हो जाएगा शाई वाई इज इक्वल टू रूट टू अपॉन बी, ए की जगह आ जाएगा बी, साइन एन वाई, एन एक्स की जगह अब मैं लिखूंगा एन वाई, पाई वाई अपॉन बी, एंड इसके साथ में एनर्जी जो एसोसिएटेड है अलोंग वाई एक्सिस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इज ई वाई इज इक्वल टू, ई वाई किसके बराबर होगा, एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम बी स्क्वायर, एंड जेड के लिए सेम एज इसी तरह से शाई जेड इज इक्वल टू रूट टू अपॉन सी साइन एन जेड पाई जेड अपॉन सी, एंड एनर्जी हो गई ई जेड इज इक्वल टू एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई। अगेन यहां पर जो एन वाई है इट स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री नॉट फ्रॉम जीरो, यहां पर भी एन जेड स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये हमारे पास में आ गया शाई एक्स शाई वाई शाई जेड ई एक्स ई वाई ई जेड। अब हम पार्टिकल की टोटल एनर्जी और टोटल वेव फंक्शन निकाल सकते हैं, लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो आप बताओ मुझे टोटल शाई वेव फंक्शन कितना होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, ऑनलाइन क्लास, आज मेरी तीसरी ऑनलाइन क्लास है, अच्छा कल सुबह मैं आपकी क्लास लूंगा एक्स्ट्रा क्लास उसकी मैट्रिक्स की, क्योंकि हम उस पर बहुत पीछे चल रहे हैं, इसलिए वैसे तो इसमें भी पीछे हैं, इसमें अभी तक तो ये यूनिट हो जाना चाहिए था। यूं हम एक एक यूनिट को लेके बैठेंगे तो हमारा कोर्स होगा ही नहीं। हाँ कल वही मैं 9:30 बजे क्लास लूंगा। ओके सो टोटल वेव फंक्शन जो आया हमारा, टोटल वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स कितना, शाई आर, और आई कैन राइट इट शाई एक्स शाई वाई शाई जेड, किसके बराबर है, शाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय शाई वाई मल्टीप्लाइड बाय शाई जेड, जो हमने पहले से डिफाइन किया था। सो टोटल वेव फंक्शन इज शाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू,
तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, रूट टू रूट टू रूट टू, यानी कि रूट एट, रूट टू रूट टू रूट टू, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो रूट एट, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन एन वाई पाई वाई बाई बी मल्टीप्लाइड बाई साइन एन जेड पाई जेड अपॉन सी। ये हो गया हमारा वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन जो हमारा आया फाइनल वो ये वेव फंक्शन। नाउ इस वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी पार्टिकल की, टोटल एनर्जी वो कितनी हुई, E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और वो कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की टोटल एनर्जी इज ये जो भी वैल्यू है ई एक्स ई वाई ई जेड, इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, पाई स्क्वायर कॉमन है, एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन है और टू एम कॉमन है, तो मैं उसको बाहर लिख लेता हूं, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम मैं बाहर ले लेता हूं, ई एक्स के अंदर जो पीछे रहा वो रहा एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पार्टिकल की टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो ई है उसको भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये किस किस पर डिपेंड, किस पर डिपेंड कर रही है, एन एक्स नंबर पर, एन वाई नंबर पर, एन जेड पे, तो मैं इसको लिखता हूं E, नीचे यहां पर सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्ट में एन एक्स एन वाई एन जेड, और यहां पर भी शाही जो वेव फंक्शन है ये एन एक्स एन वाई एन जेड, जैसे नंबर चेंज होगा तो ये शाही वेव फंक्शन है एन एक्स एन वाई एन जेड, एन एक्स एन वाई एन जेड का कॉम्बिनेशन का कोई भी एक कॉम्बिनेशन, वन वन टू वन टू वन वन थ्री वन 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 वन, ये जो भी कॉम्बिनेशन है ये एक एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्स एन वाई एन जेड रिप्रेजेंट्स अ एनर्जी स्टेट, ये एक एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और उस एनर्जी स्टेट का वेव फंक्शन क्या है, उसका वेव फंक्शन ये है, ये उसका वेव फंक्शन, ये उसकी एनर्जी, ये पार्टिकल की एनर्जी आ गई, ये उसका वेव फंक्शन हो गया, पार्टिकल का वेव फंक्शन लिख लीजिए। आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, इसी पर तो हमारी पूरी, जितने एटम्स बन रहे हैं उन एटम के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, एटम्स में एनर्जी लेवल किस तरह के हैं, दो एटम के बीच में इंट्रैक्शन किस तरह का हो रहा है, सब कुछ इसी से डिफाइन होता है, और आगे इसी की आगे की फिजिक्स आती है हमारी, अभी हम तो बहुत स्टार्टिंग में हैं क्वांटम के, फिर आता है क्वांटम फील्ड थ्योरी, इससे क्वांटम फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसके बारे में बात करना, क्वांटम डॉट के बारे में बात करना, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करना, वो आगे वाले फील्ड स्टार्ट होंगे, तो अभी इसका इसका एक रियल इसका इसका मैं एक अभी एग्जाम्पल भी दे देता हूं, पहले आप इसको लिख लो, मैं तब तक इंक मेरी खत्म हो रही है,
गया, ठीक है। तो अब हमारा काम है इसमें, ये तो अभी हमने बात जो की है वो उस पार्टिकल के लिए की है जो ऐसे बॉक्स के अंदर है जिसके बॉक्स के डायमेंशन ए बी सी है, तीनों डायमेंशन अलग अलग है। अब केस लेते हैं अगर तीनों डायमेंशन एक होते, तीनों डायमेंशन सेम होते तब क्या होता। इफ ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि पार्टिकल क्यूबिकल बॉक्स में अगर है तब क्या है। क्वांटम को थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे ना इतना मजा आएगा, बहुत अच्छी चीज है। बस यहां पर क्वांटम के अंदर हम इसको जैसी रियल वर्ल्ड से जो हम देखते हैं, मतलब जिसकी हमको समझ है, जो हमारे सामने दिखता है, उससे अगर कंपेयर करते हैं ना तब वहां पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ चीजें अलग होती है। हमारी डेली लाइफ के अंदर जिसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो नहीं होती। यहाँ पर एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, ग्राउंड हमारे रियल लाइफ के अंदर जो एनर्जी लेवल्स है वो कंटिन्यूअस है, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है। अदरवाइज इसके लिए आपको थोड़ा सा एक मतलब जो आप देख रहे हो उससे आगे जाके सोचना पड़ता है, आपको थोड़ा अलग ढंग से सोचना पड़ता है। और एक बार आप उस लाइन में घुस जाते हो ना, लाइक जैसे मैं बताऊं बहुत सीधी सी चीज है, हम लोग अगर मुझे अगर आपको आप मुझे कहते हो कि मुझे पानी में डाइव करना है, पानी में छलांग लगानी है, पानी में तैरना है, तो हो सकता है मैं 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए अपनी सांस रोक के पानी के अंदर डीप डाइव करके वापस बाहर निकल जाऊं, 30 सेकंड के लिए 25 सेकंड के लिए अंदर जाके वापस निकल जाऊं, मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता हूं। लेकिन जो लोग गोताखोर है, जिनको अच्छा उसके अंदर डाइव करना आता है, उनको वो अंदर आराम से जा सकते हैं, उनको वहां घबराहट नहीं होती है, उनकी सांस नहीं फूलती है, वो आराम से उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो जैसे वो अंदर जाएंगे, जितना आप डीप डाइव करोगे उतने ज्यादा आपको समुद्र के अंदर हीरे मिलेंगे, जवाहरात मिलेंगे, मोती मिलेंगे, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बाहर हो तो कुछ नहीं मिल सकता है, और लेकिन जब आप अंदर जा रहे हो पानी के अंदर डीप डाइव कर रहे हो, तो आप जो जहां अभी हम रह रहे हैं, जहां पे आराम से सांस ले सकता हूं, यहां मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी में जाऊंगा मुझे सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो मुझे उसके हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो जो मैं क्लासिकल फिजिक्स में सोचता हूं, जो मैं चारों तरफ देखता हूं, जो मैं क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ता हूं, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा और मुझे क्वांटम के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर मैं क्वांटम के हिसाब से सोचने लग जाता हूं, क्वांटम को मैं क्या कहता हूं उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं, तब मेरे लिए ये बहुत इजी हो जाता है, तब तो बहुत इजीली समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और वो अगले 2 महीने भी नहीं लगेंगे, इस यूनिट के कंप्लीट होते होते आपको भी क्वांटम आ जाएगी। देन नेक्स्ट, ये हुआ उस पार्टिकल के लिए, इट इज व्हेन, देखो मेरा पेन हो गया खराब, इट इज व्हेन A is not equals to B is not equals to C, यानी कि ये केस है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड घनाभ का केस हो गया। अब हम लेते हैं केस फर्स्ट, और केस हम एक ही करेंगे वैसे तो, केस when particle in cubical box, particle cubical box में है, पार्टिकल क्यूबिकल बॉक्स में हुआ तब क्या हुआ। ए बराबर बी बराबर सी, ए बी और सी तीनों बराबर हो जाएंगे, जैसे तीनों बराबर करेंगे अब हमारे वेव फंक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरा वेव फंक्शन अब हो जाएगा शाई एन एक्स एन वाई एन जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रूट एट अपॉन ए बी सी, जो है वो क्या हो जाएंगे ए ए ए, यानी कि ए क्यूब, तो मेरा हो जाएगा अब ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए साइन एन वाई पाई वाई अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन एन जेड पाई जेड अपॉन ए। ये तीनों अलग अलग ही रहेंगे, क्यों अलग अलग रहेंगे, क्योंकि
ये एन एक्स एन वाई और एन जेड है, एक्स वाई और जेड है यहाँ पे, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिख सकते हम, साइन क्यूब नहीं लिख सकते, ये इस तरह से ही लिखा जाएगा, तीनों अलग अलग लिखे जाएंगे। देन टोटल एनर्जी पार्टिकल की अब कितनी हो जाएगी इस केस में, इस क्वांटम स्टेट के लिए, इस क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन एक्स एन वाई एन जेड, ये एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल्स टू इसमें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तीनों का ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं, तो मेरे पास में रह गया पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये। देन अब इसको और हम आगे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूं एन स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट ई एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, वेयर एन स्क्वायर किसके बराबर है, ये है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर के बराबर है। ये हुआ हमारा क्यूबिकल बॉक्स के लिए। अब क्यूबिकल बॉक्स को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आप देखो इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर हमारे पास में जो सबसे मैंने नीचे लाइन लिखी है वो लिखी है एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, और एन का मान कहाँ है, सॉरी एन एक्स एन वाई एन जेड का मान कहाँ जाता है, इट स्टार्ट फ्रॉम वन से इंफिनिटी तक जा रहा है, वन टू थ्री फोर, सिर्फ नंबर नंबर है, बीच वाली वैल्यूज नहीं है। तो अब देखो अब इससे एक चीज और निकालते हैं, हमारे पास में आया एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने लिखा यहां पे। नाउ हियर एन एक्स की वैल्यू कहां से है, वन टू थ्री फोर इस तरह से, एन वाई की वैल्यू भी क्या है, वन टू थ्री इस तरह से, एन जेड की वैल्यू भी क्या है, वन टू थ्री। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये बहुत सीधी सी इक्वेशन है जिसको मैं एक दूसरे फॉर्मेट में लिखता हूं, आप समझ जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, किसकी है ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, चलो चलो एक दूसरा और ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है ज्योमेट्री के अंदर, ये किसकी इक्वेशन ज्योमेट्री के अंदर, ये इक्वेशन किसकी है, वेक्टर का भी ऐसा ही है, ठीक है वेक्टर का भी ऐसा है, ज्योमेट्री में ये किसकी इक्वेशन है, ज्योमेट्री में ये इक्वेशन हमारी सर्किल की है, वृत्त की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हमारी स्फीयर की इक्वेशन है, गोले की इक्वेशन, जिसके अंदर एक्स वाई जेड मेरी तीन एक्सेस है। तो यहां पर भी मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, मेरे पास में तीन एक्सेस ड्रॉ कर ली मैंने, कौन कौन सी एक्सेस इस इक्वेशन में, लाइक इस इक्वेशन में तीन एक्सेस कौन सी है, एक्स वाई जेड, यहां पर मेरी तीन एक्सेस कौन सी है, एन एक्स एन वाई एन जेड, तीन एक्सेस, और एन स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या हो गया रेडियस, सर्किल की रेडियस, स्फीयर की रेडियस, तो मेरा यहां पर बेसिकली ये है स्फीयर है, स्फीयर बना। और अब इस स्फीयर के साथ में खासियत है, क्या है खासियत, स्फीयर की खासियत नहीं, बेसिकली हमारी जो एक्सिस है
क्या एक्सिस पे हमारा, जैसे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी हमारा ये स्क्वायर इसी तरह से बनता है। इसमें अगर मैं बात करता हूं, ये ओरिजिन पे है हमारा, है ना, मूल बिंदु पे हमारा ये बना हुआ है सर्किल, स्क्वायर बना हुआ है गोला, और इस गोले के साथ में एक खासियत यहां पर ये है इस इक्वेशन में कि मेरे पास में x के सारी मान है, x की सारी वैल्यूज है, y के सारे मान है, z के सारे मान है, x के मान मेरे नेगेटिव भी है, x प्लस भी जा रहा है, x माइनस भी जा रहा है, y प्लस भी जा रहा है, y माइनस भी जा रहा है, y के अंदर वैल्यू या x के अंदर वैल्यू 0.0001 भी है, x की वैल्यू 0.01 भी है, x की वैल्यू -0.05 भी है, x की वैल्यू -1.73 भी है, सारी वैल्यू है। लेकिन हमारे इस केस में सारी वैल्यूज नहीं है। हमारे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है, x का मान कितना है, nx का मान, nx का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से 1 और 2 के बीच की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 2 और 3 के बीच की वैल्यू नहीं है, 3 और 4 के बीच की वैल्यू नहीं है, इसी तरह से y पे, इसी तरह से z पे। एंड और हमारे पास में एक और यहाँ पे चीज है, वो क्या है, इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं, nx नेगेटिव नहीं है, ny नेगेटिव नहीं है, nz नेगेटिव नहीं है। जब नेगेटिव नहीं है तो हमारे पास में जब ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो मुझे इसमें से सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट को काम में लेना है। यहाँ पे अगर मेरे पास 8 क्वाड्रेंट बनेंगे, जब मैं यहाँ पे क्यूब काम में ले रहा हूं तो 8 क्वाड्रेंट हुए, और उन 8 क्वाड्रेंट के अंदर मुझे कौन सा क्वाड्रेंट काम में लेना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, जिसमें nx पॉजिटिव हो, ny पॉजिटिव हो, nz पॉजिटिव हो। तो वो मेरे पास में सिर्फ ये रीजन आया, जिसके अंदर पूरा नहीं, सिर्फ इसका 1/8 पार्ट हमारे काम का है, जिसके अंदर वैल्यूज पॉजिटिव है। और अब स्फीयर भी कौन सा बन रहा है, इस स्फीयर की जो रेडियस है, इस स्फीयर की मैं रेडियस, ये रेडियस ले लेता हूं, ये रेडियस किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये हुआ मेरा n, किसके बराबर होगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर के बराबर है इसकी, स्फीयर का जो रेडियस। अब इस स्फीयर पे भी क्या दिक्कत है, इस स्फीयर के लिए बात क्या है, पॉइंट ये स्फीयर nx ny nz की कौन सी वैल्यू को ले सकता है, जो सिर्फ डिजिट्स हो, ये 1 2 3 4 इस तरह की बीच वाले जो दशमलव वाले नंबर है उनको कंसिडर नहीं करेगा। और ये एक सरफेस, एक स्फीयर मुझे क्या देगा, एक स्क्वायर से मुझे मिला एक एन स्क्वायर मिलेगा, इस एन स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये जो एक स्क्वायर है, ये एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एनर्जी कितनी है, ई एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू किसके बराबर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर भी एक बात देखो, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे, इस पूरे पे जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, वो सारे पॉइंट कौन से हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए क्या चेंज हो रहा है, nx अलग है, ny अलग है, nz अलग है, लेकिन वो एक ही सरफेस पर है, वो गोले की सरफेस पे सारे पॉइंट है, nx ny nz के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो सारे सारे कॉम्बिनेशन nx ny nx ny nz के जो कॉम्बिनेशन है, वो सारे सारे एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए एनर्जी एक है। लेकिन जैसे ही nx ny nz की वैल्यू चेंज हो रही है, हमारा वेव फंक्शन चेंज होता रहेगा, हर nx ny nz के लिए वेव फंक्शन अलग अलग होगा, लेकिन उन सब के लिए एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस एक पर जितने भी पॉइंट बनेंगे, वो सारे सारे सेम एनर्जी के पॉइंट्स होंगे, सेम एनर्जी के पॉइंट्स होंगे, बट सबके लिए वेव फंक्शन, जो एनर्जी स्टेट्स के जो वेव फंक्शन है, वो सारे सारे बट हैविंग डिफरेंट वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू combinations of nx ny nz।
के कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबके वेव फंक्शन अलग अलग होंगे, इसको कहते हैं, इस चीज को जिसके अंदर सबकी एनर्जी एक है लेकिन सबके वेव फंक्शन अलग अलग है, सब अलग अलग एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी एनर्जी सेम है लेकिन अलग अलग एनर्जी स्टेट है, तो इसको कहते हैं एकदम नाम स्लिप हो गया, इसको कहते हैं एक सेकेंड, डीजनरेट एनर्जी स्टेट्स, ये कहलाती है डीजनरेट एनर्जी स्टेट, डी जनरेट एनर्जी स्टेट्स, डीजनरेट एनर्जी स्टेट्स कहलाती है, डीजनरेट एनर्जी स्टेट्स लिखो इसको बाद में, इसको और आगे डिटेल में जाते हैं। अब देखो एक और चीज बताते हैं यहाँ पे, इसी को अब हम यूं करते हैं, एक बार प्लॉट करके देखते हैं, प्लॉट इन द सेंस सारी वैल्यूज को हम निकाल लिखते हैं क्या आता है उसको देखते हैं। क्या करेंगे अब हम, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, ये जो जो मैंने डायग्राम बनाया था, क्योंकि इसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी, वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स निकाल सकते हैं, कितने एनर्जी स्टेट हमारे पास में अवेलेबल है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो अभी कोर्स में नहीं है, मतलब आपके कोर्स में नहीं है वो, अगर कभी आया तो मैं जरूर आपको वो करवा दूंगा। हाँ, अब हम यूं करते हैं, एनर्जी स्टेट फाइंड आउट करते हैं, एन की अलग अलग, अभी हमने देखा एनएक्स एनवाई एनजेड से हमारे पास एनर्जी स्टेट अलग अलग होगी, तो मैं वैल्यूज ले लेता हूं एनएक्स एनवाई एनजेड, और इससे मेरे पास में एनर्जी कितनी आ रही है वो एनर्जी मैं फाइंड आउट करता हूं। तो सबसे पहला ग्राउंड स्टेट की मेरी एनर्जी के लिए एनएक्स एनवाई एनजेड की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 से नीचे तो है ही नहीं, 1 1 1, तो ग्राउंड स्टेट की मेरी एनर्जी हो गई E111, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, कितनी होगी यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर, यानी कि 3, सो एनर्जी हो गई 3 pi square h cross square upon 2 ma square, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया शाई 111 एक्स वाई जेड, ये मेरा वेव फंक्शन हो गया, एन एक्स की जगह 1 रख लीजिए, एन वाई की जगह 1 रख लीजिए, एन जेड की जगह 1 रख लीजिए, वो मेरा वेव फंक्शन हो गया। अब इससे नेक्स्ट हायर स्टेट, हायर स्टेट क्या हो गई 2 1 1, एनर्जी कितनी हो गई E211 की एनर्जी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 6, सो एनर्जी हो गई 6 pi square h cross square upon 2 ma square, वेव फंक्शन क्या हो गया शाई 211 एक्स वाई जेड, ये मेरा वेव फंक्शन। देन नेक्स्ट, क्या मैं इस 2 को इधर शिफ्ट नहीं कर सकता हूं, मतलब 2 यहां पे ही जाना जरूर थोड़ी है, इसको मैं 1 रखूं, इसको 2 कर लूं, इसको 1 रखूं, तब मेरी एनर्जी क्या हो गई E121, एनर्जी कितनी होगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो एनर्जी इज अगेन 6 pi square h cross square upon 2 ma square, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या हुआ Psi 121, जरूरी थोड़ी है मैं 2 यहां पे ही रखूं, 2 मेरा यहां पर हो सकता है, यहां पर भी 1 हो,
तो वन वन टू क्या एनर्जी आई, ई वन वन टू एनर्जी हो गई सिक्स पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर एंड इट विल गिव वेव फंक्शन शाई वन वन टू। अब देखो इन तीनों एनर्जी स्टेट के लिए एनर्जी सेम है, तीनों की एनर्जी सेम है सिक्स सिक्स सिक्स, लेकिन तीनों के लिए वेव फंक्शन क्या है डिफरेंट है। तो जो अभी मैंने लिखा था ये तीनों स्टेट डीजनरेट स्टेट कहलाएंगे, इनको कहेंगे हम डीजनरेट एनर्जी स्टेट, ये कहलाएगी डीजनरेट एनर्जी स्टेट। ये तीनों स्टेट जो है वो मेरी कहलाएगी डी जनरेट एनर्जी स्टेट। और फर्स्ट एनर्जी स्टेट जो है ई वन वन वन, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ढंग से रिप्रेजेंट की जा सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और एक ढंग से होता है। तो ये मेरी जो है स्टेट नॉन डीजनरेट है, ये नॉन डीजनरेट स्टेट है। ये स्टेट सेकंड स्टेट, ये मेरी कौन सी हो गई फर्स्ट एनर्जी स्टेट और आई कैन से ग्राउंड स्टेट, ये मेरी ग्राउंड स्टेट, ये हो गई मेरी सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, और मैं इसको कह सकता हूं फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी तो एक ही है लेकिन तीन अलग अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसकी जो डिग्री है किस ऑर्डर का डिजनरेट हो रहा है, तो डिग्री इसकी जो है डिग्री ऑफ डिजनरेसी, डिग्री ऑफ डिजनरेसी वो इसकी आ गई हमारे पास में थ्री। तीन अलग अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि पहले की डिग्री ऑफ डिजेंडेसी कितनी है वन, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसीलिए ये नॉन डिजेंडरेट है। नाउ इसके नेक्स्ट, अभी हमने कॉम्बिनेशन ले लिया टू वन का, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है टू टू वन, एनर्जी कितनी आई टू टू वन की, इसकी एनर्जी जब निकालेंगे ई टू टू वन यानी टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो कितनी हो गई फोर प्लस फोर प्लस वन, तो फोर फोर नाइन और वन टेन, सॉरी एट और एक नाइन, तो ये हुआ पाई नाइन पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। वेव फंक्शन क्या हो गया इसके लिए शाई टू टू वन, जरूरी है कि मेरा ये टू टू वन ही हो, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं वन टू 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 वन टू। तो ये स्टेट तीन ढंग से रिप्रेजेंट की जा सकती है और तीनों की एनर्जी टू ई टू टू वन ई वन टू टू ई टू वन टू, तीनों की एनर्जी बराबर है लेकिन तीनों के जो वेव फंक्शन है शायद टू टू वन इज नॉट इक्वल टू शायद वन टू टू वन टू इज नॉट इक्वल टू शाई वन टू टू, तीनों वेव फंक्शन अलग अलग है। तो अगेन ये जो आया हमारा स्टेट ये डीजनरेट स्टेट है, ये डीजनरेट स्टेट है और इसकी डिग्री तीन है, ये हमारी हो गई थर्ड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी लेवल या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और आगे चलते हैं, और आगे क्या लिखेंगे हम बताओ, थ्री वन वन लू या थ्री टू वन लू क्या लू। नेक्स्ट एनर्जी स्टेट मेरा क्या लिखूं, मैं टू की जगह थ्री लिखूं, मैं अगर लिखता हूं यहां पर भी टू ले लेता हूं तो अब कितना होगा टू टू
एनर्जी कितनी आएगी, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ये लिखता हूं 113, 113, अब कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, तो ये एनर्जी स्टेट 12 वाले से पहले आएगा, ये एनर्जी स्टेट पहले आया और इसकी एनर्जी हो गई E113 is equals to E131 is equals to E311, तीनों की एनर्जी बराबर, किसके बराबर 11 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma2, ये इसकी एनर्जी हो गई। अगेन इसकी जो डिग्री ऑफ डिजेनरेसी है वो 3 हो गई। देन फिर हमारा स्टेट आया 222, इसको सिर्फ एक ही ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी एनर्जी हो गई हमारी जो अभी आपने बोला 12, इसकी एनर्जी 12। देन अगर मैं 1 2 3 लिखता हूं तो एनर्जी कितनी होगी 1 2 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 10 प्लस 4 14, इसकी एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू 14 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma2। अब 1 2 3 को कितने अलग अलग ढंग से लिख सकते हो, 1 2 3 को 1 2 3 लिखा जा सकता है, 2 1 3 लिखा जा सकता है, 1 2 3 2 लिखा जा सकता है और 3 3 2 1 लिखा जा सकता है। तो टोटल ये 5 अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है। तो ये जो स्टेट है इसकी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी 5 हो गई, जो बीच वाला ये है इसकी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी 0। तो पहला हमारा स्टेट 0 नहीं 1, पहला स्टेट जो है ग्राउंड स्टेट उसकी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी 0 है, उसकी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी 1, नॉन डिजेनरेट स्टेट है, एक ही तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा जो स्टेट आ रहा है, दूसरा एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट जो है, उसको 3 अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तीनों की एनर्जी सेम है, इट इज अ डिजेनरेट स्टेट। तीसरा जो एनर्जी स्टेट है उसको भी 3 अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी पहले वाले लेवल से ज्यादा है, पहले 6 थी अब 9 एनर्जी हो गई, लेकिन 3 अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मींस 3 अलग अलग मेरे पास में एनर्जी लेवल्स हैं और तीनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी, बस फर्क क्या आ रहा है, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अब कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब हुआ, जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, पार्टिकल की पोजिशन मिल जाएगी, तो इसके कारण मुझे उसमें पार्टिकल अलग अलग जगह दिखाई देगा, तीनों में एनर्जी सेम रहेगी लेकिन पार्टिकल अलग जगह दिखाई देगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो आ रही है थर्ड के बाद फोर्थ स्टेट, ये वाली है फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, फोर्थ भी 3 अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट हो सकती है, फिफ्थ को सिर्फ और सिर्फ एक ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिफ्थ जो स्टेट है वो नॉन डिजेनरेट स्टेट है, जबकि अगेन 6 स्टेट को 5 अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये डिजेनरेट स्टेट हो जाती है। अब इसका एग्जांपल पहले इसको लिख लो फिर बाद में इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हो गया, चलिए तो फिर अब हम इसको कंक्लूड करते हैं यहीं पे। इसका कंक्लूजन अब ये देखो, ये जो मैंने बताया है ये वाली सारी चीज इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं, एक रफ कंपैरिजन है, कोई फाइनल और फिक्स कंपैरिजन नहीं है, बस एक समझने के लिए कि क्वांटम है क्या चीज, तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं हाइड्रोजन एटम के साथ। हाइड्रोजन में क्या है, एक पार्टिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन की बाउंड्री से, हाइड्रोजन एटम से बाहर नहीं जा सकता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर घूम सकता है ना, हाइड्रोजन के एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, हाइड्रोजन एटम से बाहर नहीं जा सकता है।
उसके पास में वहां पे क्या हो गया, अंदर वो कहीं कहीं घूम रहा है, वो फ्री है, तो उसको हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, बाहर नहीं जा सकता, मींस बाहर उसके वहां पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल वेल आ गया, पोटेंशियल बाउंड्री आ गई, और वो बाउंड्री इनफाइनाइट है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं जा सकता है, तो वहां पर उसकी बाउंड्री आ गई, ठीक है, और वो अंदर भी नहीं जा सकता है। तब उस केस में एक रफ मैं बता रहा हूं, ये अभी हम आगे हाइड्रोजन एटम तो अलग से करेंगे, बट एक समझने के लिए बता रहा हूं। अब मैं उसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं, अब वो हाइड्रोजन एटम कहां कहां जा सकता है, क्या वो सारे एनर्जी स्टेट में रह सकता है? सारे एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता है ना, तो अब ग्राउंड स्टेट में रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट किस तरह का है, 1 1 1। अगर याद करो हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट होता है वो होता है एस ऑर्बिट, एस स्फेरिकल, वो स्फेरिकल शेप के अंदर होता है एस। तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट आ गई, 1s ऑर्बिट। ये इस तरह का है, ये देन उसके बाद में ग्राउंड स्टेट के बाद में अगर उसको आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी तो वो कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, 1s के बाद नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या आती है, पी स्टेट। और जो पी है 1s के बाद है, आ गया फिर 2s, और 2s के बाद आता है 2p। तो मैं 2p बता रहा हूं, वह सिर्फ एक है ना, मतलब कोई खास कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। अब 2p के अंदर देखो क्या होता है, वहां पर हमारे पास अगर याद हो तो वो डंबल शेप का होता है, याद है डंबल शेप का होता है, और ये तीन अलग अलग होते हैं, अलोंग पी एक्सेस, अलोंग ये पी एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस पी वाई, अलोंग जेड एक्सेस पी जेड। अगर पढ़ रखा है तो ये तीन अलग अलग है, पी एक्स पी वाई पी जेड। जो आपका पी ऑर्बिट है वो तीन अलग अलग एक्सेस के अलोंग होता है, तो ये रही तीनों अलग अलग एक्सेस के अलोंग, और तीनों की एनर्जी सेम होती है। दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, और तीनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी तीनों की, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों की एनर्जी सेम होती है। यहां पर भी तीनों की एनर्जी सेम है, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी सेम। और अब याद करो जब हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स किया था, तब सेकंड स्टेट के अंदर जो हमारा वेव फंक्शन था, वो वेव फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ बनाया था, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ इस तरह से बनाया था मेरा ग्राउंड स्टेट के लिए, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरा इस तरह का बना था, याद करो देख लेना कल जो मैंने करवाया था। अब मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड स्टेट की। सेकंड स्टेट के अंदर क्या है, पार्टिकल बीच में नहीं आएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो ये देख लीजिए पार्टिकल कहां पर रह रहा है, पार्टिकल जो डंबल बना है उस डंबल के बाहर बाहर है, पार्टिकल के डंबल के बाहर उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये अभी एक सिर्फ क्रूड कंपैरिजन है, आगे हम हाइड्रोजन एटम को पूरा करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक का था कि हमारा पार्टिकल अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो उसके एनर्जी लेवल भी कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होती है, और एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होने के साथ में अगर पार्टिकल थ्री डायमेंशनल बॉक्स में है तो वहां पर डीजनरेट स्टेट मिलती है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में डीजनरेट स्टेट नहीं है, पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स में डीजनरेट स्टेट मिलती है। हमारे पास मल्टीपल हजारों एनर्जी लेवल्स मिलते हैं और उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी समान हो सकती है। जैसे ही एनर्जी समान होगी तो एनर्जी तो समान हो सकती है लेकिन उनके वेव फंक्शन अलग अलग होंगे, जो मैंने यहां पे बताया है वेव फंक्शन अलग अलग तरह से होंगे। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी क्वांटम की, उसके अंदर हम बात करेंगे पार्टिकल अगर बाहर निकल रहा है, टनलिंग कर रहा है, तब किस ढंग से वो टनल करेगा, उसको हम स्टडी करेंगे। सो आज का यहीं तक ही, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए फिर लिख लीजिए, लिख लिया, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, थैंक यू।